कुपोषण का विशेष दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों में परिलक्षित हो रहा है। प्रदेश में विभिन्न विभाग इसके लिए कार्यरत थे, विशेष तौर पर महिला बाल विकास विभाग और इनके आंगनबाड़ी केंद्र। छत्तीसगढ़ में कुपोषण से जो महिला और बच्चों को विशेष क्षति और हानि हो रही है, जो उनके समग्र विकास और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा है, उसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव है? मूल कारण यह है कि परिवार के माता पिता और अन्य सदस्य जो हैं, वो पोषक आहार के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो आपको पता आपका बच्चा कौन सी श्रेणी में स्वस्थ है, कुपोषित है, ये जानते हैं क्या? हमारे यहाँ दो बच्चे इन लोग को अभी उसी बच्चे को वही दे रहे हैं, रेडी टू ईट फूड दे रहे हैं मंगलवार को, और हर महीना के दो तारीख को उन लोग का वजन करते हैं और महीना के दूसरा मंगलवार को टीका लगाते हैं। तो जो कुपोषित बच्चे उनको क्या डबल राशन देते हैं? हाँ, उसको डबल। कितना देते हैं? वही 140 रहता है, तो उससे डबल कर देते हैं। अच्छा, आप हर मंगलवार आते हैं? क्या क्या मिलता है आंगनबाड़ी में? दलिया मिलता है और टीकाकरण। सभी सेवाएं मिल रही नियमित रूप से? हाँ। उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं आप? हाँ। तो नियमित रूप से मिलता है ये दलिया? कई बार तो नहीं आ पाता भैया, मिलता तो ऐसा है लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। अच्छा। जब खत्म हो जाते तब बहन जी बोलते नहीं है बोलते। तो क्या बात है, कभी कभी नियमित रूप से पोषण आहार नहीं मिल पाता? कि माल बना नहीं है तो हम लोग इस हफ्ते में नहीं दे पा रहे हैं, तो नहीं देंगे अगले हफ्ता देंगे, ऐसे करके उन लोग बोलते हैं समूह वाले लोग। जो पोषक आहार इनको बच्चों को मिल रहा है उसका भी मिस यूज होता है, वो घर के लोग खा लेते हैं या फिर अपने मवेशियों को खिला दिया जाता है। सेवाओं में सुधार के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि घर के सदस्यों को भी कुपोषण की सही जानकारी दी जाए कि पोषक आहार के साथ कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है, और इसके लिए किसी दवाओं की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा बीमार पड़ा तो बस डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उसको दवाई दी जाए। प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं और हमारे प्रदेश का भविष्य यानी कि बच्चे, इनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें निश्चित तौर पर जन भागीदारी, सबके सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की आवश्यकता है, तभी कुपोषण के इस कुचक्र को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे और देश और प्रदेश को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। सर्वभूषण नकवी, इंडिया अनहर्ड के लिए ग्राम लालपुर रायपुर से।